बलरामपुर थाना ललिया क्षेत्र में मूर्तिहा गांव में मंगलवार दोपहर सदर एसडीएम राजेंद्र बहादुर, तहसीलदार रामाश्रय व क्षेत्राधिकारी राधा रमन सिंह ने सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के लिए पुलिस व राजस्व विभाग संयुक्त टीम ने मूर्तिहा गांव पहुंचकर अवैध कब्जा हटाने का कार्य किया। एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक सुरेश कुमार यादव, हल्का लेखपाल महेश मौर्य के साथ पहुँचकर सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाया। चंद मिनटों में जेसीबी लगाकर अवैध रूप से बने घर को जमीन दोस्त कर दिया गया। एसडीएम ने बताया कि गांव के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर दबंगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। सरकारी जमीन को दबंगों ने कब्जा कर गांव को आने जाने के लिए रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। पानी की जमीन को उच्च न्यायालय के आदेश पर खाली कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि बुधवार को उनके लड़के की शादी है, शासन प्रशासन ने मौका तक नहीं दिया, बने बनाए घर को बुलडोजर लगाकर जमीन दोस्त कर दिया। इस अवसर पर लेखपाल कुलदीप यादव, राकेश पांडे, निरीक्षक अजय कुमार पांडे, मथुरा बाजार चौकी प्रभारी राजीव मिश्रा के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। घर गिर गया भाई, मैं जो है बलरामपुर था, मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ आज घर गिराने जा रहे हैं और इन लोगों ने आके गिरा दिया प्रशासन के साथ। और ये जो है हमारे घर पे कोई भी नहीं था, कल हमारे घर शादी है और शादी जो है कल बारात जानी थी। आज जो है मैं लेके गया वहाँ डीएम साहब को जो है दिया एक पेपर कि हमको टाइम दे दिया जाए, तो हमको टाइम भी नहीं दिए और हम बलरामपुर से यहाँ पहुँचे नहीं, उससे पहले हमारा घर गिर गया। और जलमग्न जमीन जो है, जो जलमग्न कह के गिराया गया है, उसमें 45 गाटा है, झनघटा ग्राम सभा में 45 गाटा है, 101 बीघा का जलमग्न है। तो क्या खाली हमारा ही घर जो है गिराया गया, बाकी लोगों पे जो है तो क्या जलमग्न, ये नाला अगर या जलमग्न है तो केवल इतना ही जमीन जलमग्न था क्या? नहीं, आगे तक है और सारे मकान बने हुए हैं, लेकिन किसी का मकान नहीं गिराया गया। आके जो है खाली हमारे ऊपर बात आई और हमारा घर गिरा दिया गया। कम से कम 8-10 घर है। न्यायालय ने आपका आदेश खारिज कर दिया था? न्यायालय ने आदेश खारिज किया, खारिज करने के बाद उन्होंने इस हिसाब से खारिज किया कि जैसे 2 दिन का छुट्टी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।